हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल सा पीच मेकअप लुक, जो कि सभी स्किन टोन पर बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉइस्चराइज़र से, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ निविया का मॉइस्चराइज़र। इसे मैं हमेशा अपने मेकअप से पहले लगाती हूँ। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, जो कि है पर्पल का। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है। प्राइमर हमेशा हमें यूज़ करना चाहिए, ये हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ करता है और फाउंडेशन को जो है ये लंबे समय तक टिका कर रखेगा। अगर आप फाउंडेशन का यूज़ नहीं करें तो आपका जो मेकअप है वो बहुत ही जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। आई मेकअप सबसे पहले मैं यहाँ आई मेकअप ही करूँगी, और मैं हमेशा आई मेकअप ही सबसे पहले करती हूँ। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ फोरएवर 52 का कलर करेक्टर व्हील पैलेट। और अब हम इसकी पाउडर सेटिंग कर लेंगे। आपके पास अगर कोई लूज़ पाउडर है या कॉम्पैक्ट है, जो भी आप यूज़ करते हो, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और आई मेकअप के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ आया स्विस ब्यूटी की मिनी आई शेडो पैलेट। उसमें से एक ट्रांजिशन शेड मैंने ली है और अपनी ट्रांजिशन एरिया पर इसे लगाया है। ये देखिए, ये एक पीच सी शेड है, तो मैंने इसे इसी का ही यूज़ किया है। ये एक बहुत ही सॉफ्ट पीची सा मेकअप लुक है। अब यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैं कलर बार की आई शेडो पैलेट। इसमें एक सेमी शिमर शेड है पीच कलर की, तो उसे मैंने अपने ब्रश की हेल्प से अपनी आईलिड पर लगाऊंगी। हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेना और बहुत कम भी लेना है, बहुत बहुत कम भी नहीं लेना है। अब स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट में से मैंने लिया है कि गोल्डन कलर की शेड। इसे मैं अपने रिंग फिंगर की हेल्प से अपनी आईलिड पर लगाऊंगी और इसे ब्लेंड करूंगी। अब हम अपने जो हमारे डार्क एरियाज होते हैं उनको कवर करेंगे। फाउंडेशन के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का फाउंडेशन। इसे डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने पूरे फेस पर लगा लिया और इसे ब्लेंड करेंगे। आपकी ब्लेंडिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो भी आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा। और अब फिट मी के कॉम्पैक्ट की हेल्प से मैंने अपने बेस को जो है सेट कर लिया है। अब इसके बाद मैं ले रही हूँ शुगर की CDF पैलेट है, और इससे हम करूँगी अपने फेस की लाइट कंटूरिंग। मेरा फोरहेड जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं अपने फोरहेड की भी कंटूरिंग करूँगी। ये एक डे पार्टी मेकअप लुक है, तो हमें जो है सब कुछ बहुत ही न्यूट्रल सा रखना है, सॉफ्ट सा रखना है। मैं यहाँ क्रीम कंटूरिंग नहीं करूँगी। अब हाइलाइटर से मैं अपनी फिंगर से ही अपनी नोज़ पर हाइलाइटर लगा लूँगी। ब्लश नहीं था मेरे पास पीच कलर का, तो मैंने आई शेडो पैलेट में से वही पीच शेड ली, जो हमने ट्रांजिशन शेड लगाई थी उसी के हेल्प से मैंने जो है ब्लश लगा लिया है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये जो पैलेट है बहुत ही वर्सेटाइल पैलेट है। ये जो मेकअप लुक है ये बिगिनर्स के लिए भी है। हाइलाइटर जो है मैंने अपनी चिक बोन्स पर भी लगा लिया। और अब बारी है आईब्रो फिलिंग की, तो देखिए मैंने कैसे आईब्रो फिलिंग कर रही हूँ, बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली। आईब्रो पेंसिल जो मैं ये यूज़ कर रही हूँ ये NYB की है। पहले मैं अपनी आईब्रोज को इसी से ही डिफाइन करूंगी। उसके बाद जो स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट है उसमें से एक डार्क ब्राउन शेड लेके मैं ब्रश में और तो उससे अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी। और मैं यहाँ लगा रही हूँ लैक्मे का काजल। मैं ऐसे अपनी पूरी जो मेरी लोअर लैश लाइन है उसे पूरे में कवर नहीं करूँगी, बस हाफ हाफ। और जो लिप पर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वो है शुगर का ही, वो भी पीच शेड ही है।
मुझे ये सब कुछ थोड़ा मैट मैट लग रहा था, तो मैंने यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिप ग्लोज। इससे जो है हमारी लिपस्टिक काफ़ी टाइम तक स्टे करती है। और मैंने यहाँ लगा लिया है अपनी बिंदी। अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।